तो हम रेसिस वाले टॉपिक से 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रेसिस तो कैट में तो लगातार हर साल आ ही रहे वाला टॉपिक, और भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट रेसिस का, टॉपिक का नाम है रेसिस एंड गेम्स। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए रन्स एट 5 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, एंड ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर। मतलब अगर 100 मीटर की रेस है तो ए ने बी को 8 मीटर का स्टार्ट दिया, मीन्स बी को सिर्फ जीतने के लिए 92 ही भागना है, एंड स्टिल बीट सिम बाय 8 सेकेंड। मतलब ए ही जीतता है, और कितने सेकंड से जीतता है, 8 सेकेंड। ए ने बी को स्टार्ट भी दे दिया फिर भी 8 सेकेंड से जीत गया। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ, सबसे पहले हम ए की स्पीड निकाल लेते हैं। ए का टाइम निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं कि ए ने इस रेस को कितनी देर में कंप्लीट किया। ए का टाइम निकालना है। ए ये जो 100 मीटर है बेटा किस स्पीड से भाग है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो टाइम हमारा सेकंड्स में आ जाएगा। 25 × 400 होता है, और 18 × 4 कितना होगा, 72 सेकेंड। तो हमें इस रेस में ये पता लग गया कि ए 72 सेकेंड भागा और उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और ए ने बी को 8 सेकेंड से भी हराया। मतलब बी का जो टाइम है इस रेस का 72 + 8, क्योंकि बी हारा है तो वो 8 सेकेंड लेट पहुंचा ए से, तो 72 में हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। तो बी ने ये रेस 80 सेकेंड में कवर किया। मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं। अगर हम ध्यान से पढ़े तो ए ने बी को 8 मीटर का स्टार्ट भी दिया, 8 मीटर का। तो बी ने 80 सेकेंड में 100 मीटर कवर नहीं किया, बी ने 80 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 92 मीटर। तो बी की अगर मुझे स्पीड निकालनी हो तो 92/80 मीटर पर सेकेंड में है। अब जल्दी बताओ मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर कैसे बनाते हैं, 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व भी देखो मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने 2 पे कट किया, ये 40 और 9, मुझे दिख गया यार नीचे 100 है, नीचे 200 है, 40 × 5। अगर मैं नीचे 100 बना दूं तो पॉइंट लगाने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक 2 पे और काट दिया, 2 × 20 और 46। तो ऊपर 46 × 9 है, नीचे 100 है, 46 × 9/100 km/h। अब 46 × 10 होता तो 460 होता, 46 × 9 है तो 460 से 46 माइनस करना है, मतलब 414/100, मींस 4.14 km/h हमारा आंसर हो गया। ये बी ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मिलते जुलते और भी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इस असाइनमेंट में मैंने डाल लिया। ठीक है जी, आ गया सबको समझ अच्छे से ये वाला क्वेश्चन। चलो अब ये हम